हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। तरचंद आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड, और बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत हमारा जो लेसन है नया है वो है मैक्स वेबर, अर्थात उस पेपर का जो नाम है ना वो सोशल थिंकर, सामाजिक विचारक, सामाजिक चिंतक। तो इसमें पहला जो विचारक हमारा था वो है कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स ने अपने दो सिद्धांत रखे थे, एक है वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और दूसरा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। एग्जाम की दृष्टि से फाइनल ईयर में दोनों ही प्रश्न इम्पोर्टेंट थे। पहला नंबर पर था वो वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और दूसरे नंबर पर जो प्रश्न है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का है। तो ये तो रही हमारी कार्ल मार्क्स की व्यवस्था। हालांकि एग्जाम में विशेषकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की तुलना में मैक्स वेबर वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब हम बात करते हैं मैक्स वेबर की, कि मैक्स वेबर ने अपना क्या योगदान दिया समाज के बेसिक समय, क्या अपना विचार था। तो उनका जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सोशल एक्शन। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है मैक्स वेबर का। और दूसरे जो नंबर पर प्रश्न बनता है एग्जाम की दृष्टि से वो है सत्ता, सत्ता के प्रकार। हालांकि पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है सामाजिक क्रिया। तो अब हम बात करते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जर्मन का समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री और राजनीति शास्त्री था, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीति शास्त्री भी था मैक्स वेबर। मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और मैक्स वेबर वैसे जर्मन के थे, उनका जन्म 1864 के अंतर्गत जर्मन में और मृत्यु 1920 के अंतर्गत। मैक्स वेबर की जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी जो पुस्तक है वो है द प्रोटोटाइप एथिक एंड द प्रोटोटाइप एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये हमारी दूसरी पुस्तक है। और एक और पुस्तक उन्होंने जो दी है वो है द सिटी, द नगर। तो वेबर की तीन महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। पहली जो पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक आर्थिक संगठन का सिद्धांत। दूसरी पुस्तक है द प्रोटोटाइप एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। और इसके साथ साथ ही तीसरी जो पुस्तक बतलाई है वो है द सिटी। वेबर ने सबसे जो महत्वपूर्ण जो उल्लेख किया है वो है आदर्श प्रारूप, नौकरशाही, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, और साथ ही सामाजिक क्रिया के सिद्धांत बाद नौकरशाही, आदर्श प्रारूप और सत्ता, सत्ता के प्रकार। ये चार सिद्धांत दिए हैं एग्जाम की दृष्टि से। सामाजिक क्रिया हमारा महत्वपूर्ण है, लेकिन अब देखते हैं कि सामाजिक क्रिया क्या है। सामाजिक क्रिया का मतलब यहाँ पर समाज में होने वाली क्रिया, समाज में होने वाली क्रिया। और क्रिया का मतलब होता है व्यक्ति के व्यवहार से, या एक महत्वपूर्ण बात है कि क्रिया का मतलब होता है व्यक्ति के व्यवहार से, अर्थात वह व्यवहार जो व्यक्ति व्यक्ति को प्रभावित करता हो, अर्थात एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति पर, और दूसरे व्यक्ति का प्रभाव यदि पहले वाले व्यक्ति पर पड़ता है और उस व्यवहार का कुछ क्रिया का अर्थ निकलता है तो वो सामाजिक क्रिया है। वेबर ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक क्रिया अर्थात समाज के अंतर्गत होने वाली क्रिया, और समाज में रहते हैं व्यक्ति तो व्यक्ति व्यक्ति के मध्य होने वाली क्रिया ही सामाजिक क्रिया है। लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के मध्य होने वाली क्रिया तो है, और भी उसने तर्क दिया है कि सजीव सजीवों के मध्य होने वाली क्रिया को ही वेबर सामाजिक क्रिया मानता है। क्रिया तो सजीव और निर्जीव के मध्य भी हो सकती है, लेकिन वेबर्स क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता। जैसे कि बिजली के चमकने से, बादल के गरजने से व्यक्ति का डरना, वो सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं मानता। एक व्यक्ति किसी मंदिर में पूजा करता है, किसी मूर्ति पर फूल चढ़ाता है, तो वेबर्स क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता। उसने पहले स्पष्ट कर दिया कि जब दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली क्रिया जो अर्थपूर्ण होती है, लेकिन वो क्रिया किसी भी काल में व्यक्ति को प्रभावित करती है, तीनों कालों में, चाहे वर्तमान काल में प्रभावित करती हो, चाहे भूतकाल में प्रभावित करती है, चाहे भविष्य काल में प्रभावित करती है, लेकिन उस क्रिया से दोनों व्यक्ति यदि प्रभावित होते हैं और उसका कुछ अर्थ निकलता है तो उस वेबर सामाजिक क्रिया मानता है। और उस व्यक्ति से व्यक्ति किसी भी काल में प्रभावित नहीं होता तो उस क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं मानते।
सजीव सजीव के मध्य होने वाली क्रिया, दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली क्रिया और साथ ही अर्थपूर्ण होने वाली क्रिया को व्यवहार सामाजिक क्रिया मानता है। यदि इनकी अनुपस्थिति में की जाने वाली क्रिया को व्यवहार सामाजिक क्रिया नहीं मानता। हो सकता है कि व्यवहार की दृष्टि से सामाजिक क्रिया नहीं है, अन्य विचारकों की दृष्टि से वो सामाजिक क्रिया हो सकती है। तो हालांकि ऑल्ट्रट मार्शल ने सामाजिक क्रिया के लिए चार जो आवश्यक तत्वों का जो उल्लेख किया है, जो किसी भी क्रिया करने के लिए बहुत जरूरी है, वो चार आवश्यक तत्व कौन से हैं? सबसे पहला, किसी भी क्रिया को करने के लिए कर्ता होना आवश्यक है। कर्ता ही नहीं होगा तो क्रिया करेगा कौन? तो इसका मतलब है किसी भी क्रिया को करने के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है कर्ता, करने वाला। दूसरा जो आवश्यक तत्व तो है लक्ष्य, अर्थात कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है तो लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए करता है, अर्थात बगैर लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति क्रिया नहीं करता। इसलिए दूसरा जो आवश्यक तत्व है वो लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति समाज के अंतर्गत जब कोई क्रिया करता है तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्रिया करता है। तो ये हमारे दो आवश्यक तत्व हो गए। सबसे पहले किसी भी क्रिया को करने के लिए हमें कर्ता की जरूरत होती है, तो क्रिया करने के लिए हमें कर्ता होना आवश्यक है। दूसरा आवश्यक तत्व लक्ष्य, कोई भी कर्ता लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्रिया करता है। तीसरा जो आवश्यक तत्व है साधन, कि किसी भी क्रिया को संपन्न करने के लिए हमारे लिए साधन होना आवश्यक है। यदि हम साधन नहीं होंगे तो हम उस क्रिया को संपूर्ण नहीं कर सकते। और चौथा जो आवश्यक तत्व है वो है परिस्थिति या स्थिति, कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में ही क्रिया संपन्न करता है, बगैर परिस्थिति के व्यक्ति कोई भी क्रिया संपन्न नहीं कर सकता। तो वेबर ने सामाजिक क्रिया के लिए चार आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है, वो है कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। इसके बाद अब वो कहता है कि किस क्रिया को एक स्थान पर समाजशास्त्र को प्रभावित करते हुए वेबर ने स्पष्ट किया है कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। जबकि परिभाषा की दृष्टि से सामाजिक क्रिया की बात करते हैं तो किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है जब इस क्रिया को करने वाला व्यक्ति और व्यक्ति द्वारा लगाए गए व्यक्ति अर्थ के कारण यदि उस क्रिया से दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है और उसी के अनुसार वो गतिविधि करता है तो वो सामाजिक क्रिया मानता है, और यदि इसके विपरीत है तो उस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो परिभाषा वो है वो यही है, वेबर किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया मानता है जब इस क्रिया को करने वाला व्यक्ति और व्यक्ति द्वारा लगाए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यदि उस क्रिया से दूसरे व्यक्ति प्रभावित होता है और उसी के अनुसार गतिविधि करता है तो वो सामाजिक क्रिया है, और यदि ऐसे नहीं है तो उस क्रिया को सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं मानता। उसने उदाहरण दिया था कि यदि मान के चलो कि दो व्यक्ति साइकिल चलाते चलाते किसी सड़क पर टकरा जाते हैं और दोनों व्यक्ति एक दूसरी दिशा की तरफ आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन किसी कारण से वो दोनों रोड पर साइकिल टकराते समय टकरा जाते हैं और टकराने के बाद भी उसी स्थान पर दोनों व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, हाथापाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं टकराने के बाद, तो वो वैवर्ष क्रिया को सामाजिक क्रिया मानता है। क्यों? कि एक व्यक्ति जब टकराता है तो दूसरे व्यक्ति को इस बात का निर्देश देता है कि आप अगर साइकिल चलाते हैं तो देखकर चलाएं, किसी का पैर भी टूट सकता है, किसी की आंख भी टूट सकती है, किसी का नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आप अपने आप को नियम से नहीं चला रहे, साइकिल चलाने की वजह से ही उन दोनों व्यक्तियों में आपस में हाथापाई होती है और उसका कुछ अर्थ निकलता है। अर्थ यह निकलता है कि आगे से तुम ध्यान रख के चलाना, इस प्रकार साइकिल मत चलाना, किसी को नुकसान हो सकता है, पैर भी टूट सकता है, पड़ भी सकता है। तो इस बात को लेकर इन दोनों व्यक्ति में आपस में झगड़ा होता है तो वेबर्स क्रिया को सामाजिक क्रिया मानता है, लेकिन यदि टकरा जाने के बाद भी यदि दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे दिशा में चले जाते हैं और कोई हाथापाई नहीं होती, गाली गलौज नहीं होती, तो वेबर्स क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता, अर्थात आपस में वो दिशा निर्देश नहीं देते और बगैर ही गाली गलौज हाथापाई के बगैर चले जाते हैं तो वेबर्स क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता, क्योंकि टकराने का कोई अर्थ नहीं निकला, आपस में एक दूसरे समझ नहीं सकाते, तो ऐसी स्थिति व्यक्ति उस क्रिया को वेबर सामाजिक क्रिया नहीं मानता। दूसरा उदाहरण दिया है कि
सामाजिक क्रिया में वेबर ने पहले स्पष्ट कर दिया कि सजीव सजीव रूप में दौड़ने वाली क्रिया केवल सामाजिक क्रिया है, लेकिन एक व्यक्ति यदि मंदिर में पूजा करता है तो वो मूर्ति है जो पत्थर की है वो निर्जीव है और व्यक्ति सजीव हुआ, तो इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति इस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानेगा, क्योंकि सजीव सजीव के मध्य होने वाली क्रिया केवल सामाजिक क्रिया है, जबकि मंदिर के अंतर्गत निर्जीव और सजीव के मध्य जो संबंध है वेबर उस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता। आगे एक और भी उदाहरण देता है कि यदि किसी नेता के साथ अगर जनता जयकारे लगाती है, जय जयकार करती है, तो वेबर उस क्रिया को सामाजिक क्रिया मानता है, अर्थात उस जयकारे का कोई ना कोई समस्या समाधान अवश्य होगा, लेकिन किसी भी काल में तो होगा, चाहे वर्तमान हो सकता है या भविष्य काल में हो सकता है, तब वो क्रिया की जा रही है, इसलिए वेबर इस क्रिया को सामाजिक क्रिया मानता है। एक छात्र जब कोई तैयारी करता है किसी परीक्षा को लेकर, तो वेबर इस क्रिया को भी सामाजिक क्रिया मानता है, उस क्रिया का प्रभाव व्यक्ति को भविष्य में भी पड़ सकता है, वो एग्जाम में पास होता है तो वेबर इस क्रिया को सामाजिक क्रिया मानता है, लेकिन बिजली के कड़कने से बादल के गरजने से यदि व्यक्ति डरता है तो वेबर इस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि बिजली एक निर्जीव है और व्यक्ति सजीव है, निर्जीव और सजीव के मध्य होने वाली क्रिया को वेबर सामाजिक क्रिया नहीं मानता, केवल सजीव सजीव के मध्य होने वाली क्रिया को सामाजिक क्रिया मानता है। तो बिजली, बादल, ये सब निर्जीव शक्ति हैं, बेजानदार शक्ति हैं, इसलिए वेबर सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं मानता। तो आज की वीडियो के अंतर्गत हम बस यही, आगे हम बात करेंगे सामाजिक क्रिया की विशेषता और सामाजिक क्रिया की परिभाषा।